नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम दीक्षित। मेरे चैनल टेक टिप्स एंड ट्रिक्स में दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सहजन की खेती के बारे में। अगर आपने दोस्तों इस खेती की एक बार शुरुआत कर ली तो 18 से लेकर 20 साल तक आपको किसी और तरह की खेती करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही खेती आपको लाखों नहीं करोड़ों रुपए में दोस्तों आपकी कमाई करवा सकती है, वो है सहजन की खेती। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा सहजन की खेती के बारे में, तो बने रहिए दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के पास ही में जो बेल का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरे हर एक वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ सहजन की खेती के बारे में। नर्सरी से दोस्तों आप इसके पौधे बड़े आसानी से खरीद करके ला सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। प्रति एकड़ में लगभग आप 3000 से लेकर 3200 पौधे बड़े आराम से दोस्तों आप इसके लगा सकते हैं। लगभग 8 महीने का समय लगता है पूरी तरीके से इसको तैयार होने में, एक साल का आप समय मान लीजिए, लेकिन हर 8 महीने के अंदर आपको दोस्तों इसकी फसल मिलती रहेगी। तो इसकी पैदावार जो लगभग होती है 8 महीने के अंदर वो होती है 3500 किलो से लेकर 4500 किलो तक। और मार्केट में अगर आपने सहजन की फली की कीमत पता कर ली तो आपके दोस्तों होश ही उड़ जाएंगे। लगभग जो मार्केट में इसकी थोक रेट है वो 60 रुपये से लेकर 90 रुपये किलो तक है। आप इस बात से दोस्तों अंदाज लगा सकते हैं कि हर 8 महीने में जो आपकी पैदावार हो रही है 3500 किलो से लेकर 4500 किलो तक, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं कि सहजन की खेती से आप कितनी कमाई दोस्तों कर सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक वर्धक सब्जी होती है, कई सारी दवाई गोली बनाने में भी दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में बहुत ऊँचा दोस्तों इसका नाम है सहजन की फली का। जैसे कई लोगों में आपने देखा होगा शुक्राणुओं की कमी रहती है, वीर की कमी रहती है, तो उसको बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मददगार होती है सहजन। तो बहुत ही शानदार और बढ़िया खेती दोस्तों आपके लिए साबित हो सकती है। मैं अपने हर एक वीडियोज़ में दोस्तों आपको बताता हूँ कि गोबर की खाद का दोस्तों इस्तेमाल करना आप ज़रूर शुरू कीजिए। किसी भी तरह की अगर आप खेती कर रहे हैं, चाहे वो सब्जी की खेती कर रहे हैं, फूलों की कर रहे हो, फलों की खेती, किसी भी प्रकार की खेती अगर आप कर रहे हैं तो गोबर की खाद का दोस्तों इस्तेमाल करना ज़रूर शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी जो खेती की जो पैदावार है वो लगभग 35 से 40% तक बढ़ जाएगी। यानी कि जो अभी जो पैदावार आपकी होती है किसी भी एकड़ में, एक एकड़ में अगर आपकी पैदावार होती है लगभग 5 लाख रुपए की, तो आपकी जो पैदावार होगी लगभग 5.5-6 लाख रुपए तक की पैदावार दोस्तों उसके अंदर बढ़ जाएगी। अगर अच्छी पैदावार होगी तभी तो दोस्तों आपकी अच्छी अर्निंग निकल करके आएगी। तो सहजन की बहुत ही बढ़िया और शानदार खेती है, किसी भी तरह की भूमि में दोस्तों इसकी आप खेती कर सकते हैं। बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, 7 दिन में एक बार दोस्तों आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। ज़्यादा आपको सिंचाई करने की भी ज़रूरत दोस्तों इसमें नहीं है। 8 महीने के अंदर दोस्तों पूरी तरीके से पौधे तैयार हो जाते हैं और हर 8 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है। उसके अंदर जो फल लगते हैं वो लगभग 3500 किलो से लेकर 4500 किलो तक दोस्तों फल 3000 पौधों में आपको निकल करके दोस्तों आएंगे। ज़्यादा की भी पैदावार दोस्तों आपकी हो सकती है। मैं तो एक आपको एक अमूमन बता रहा हूँ कि लगभग 90% तो दोस्तों इतनी ही पैदावार निकल करके आएगी 3000 पौधों से, 3500 किलो से लेकर 4500 किलो तक। बाद बाकी आपकी खेती किस तरीके से उसकी ऊपर भी पैदावार दोस्तों डिपेंड करती है। जिस तरीके मैंने आपको बताया गोबर की खाद का दोस्तों इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम भी जो है वो बहुत अच्छी निकल करके दोस्तों आएगी। तो सहजन की खेती भी दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार साबित हो सकती है। इसके अलावा इसके साथ में आप भिंडी है, बैंगन है, आलू है, इसकी भी खेती आप साथ में कर सकते हैं, तो वो भी आपको हर 2-3 महीने में अच्छी कमाई करवा करके देगी। अगर आपको दोस्तों लाखों नहीं करोड़ों रुपए की कमाई करनी है तो सहजन की खेती एक बार स्टार्ट कर दीजिए। 18 से लेकर 20 साल तक इसका एक पेड़ फल दोस्तों देता है, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि लगभग 3000-4000 पौधे अगर आप लगाते हैं तो 20 साल तक दोस्तों आपको किसी और तरह की खेती करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बीच में चाहें तो 2-3 महीने वाले भी दोस्तों खेती कर सकते हैं, पालक की खेती कर सकते हैं जो महज 1 महीने के अंदर दोस्तों तैयार हो जाती है। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार आपके लिए खेती साबित हो सकती है सहजनी खेती। हर 8 महीने में आपको फल मिल जाते हैं, 3000 से 3500 पौधे आप लगा सकते हैं प्रति एकड़, और 3500 किलो से लेकर 4500 किलो तक आपको फल बड़े आराम से दोस्तों मिलते हैं। मार्केट में जो थोक रेट है सहजन की वो लगभग 60 रुपये से लेकर 90 रुपये है, कभी कभार 100 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो तक भी पहुँच जाती है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है सहजन की खेती। आप अभी से दोस्तों इसके बारे में शुरुआत कर सकते हैं इसकी खेती का। अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है जितने चाहे उतने आप पौधे लगा सकते हैं। स्टार्टिंग करके देखिए आपको फ़ायदा मिलता है, यानी बहुत ही फ़ायदा दोस्तों आपको मिलेगा इस खेती में, इस बात की गारंटी दोस्तों मेरी है। बहुत लोग इसकी खेती कर रहे हैं और लाखों रुपए की दोस्तों कमाई कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया सहजन की फली की खेती के बारे में, जो आपको बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम लागत में लाखों नहीं दोस्तों करोड़ों रुपये की कमाई करवा सकती है। उसके साथ में आप 2-4 फसलें भी और कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के पास ही में जो बेल का बटन है उसको जरूर दबा दीजिए, इससे मेरे हर एक वीडियोस की जानकारी
सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। नमस्कार, जय श्री राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।